कांड हुई थी, मुझसे नहीं हो। भाई अपने ब्रेकअप के पीछे प्रोड्यूसर का नुकसान क्यों कर रहे हो? शूटिंग खत्म करो और मूव ऑन। मेरी किस्मतों को मिली हाथ तेरे, फिर से गंगाधर जी ने सब बता दिया ना। मरते वक्त भी तुम्हारी माँ मेरे बारे में सोच रही थी ना। तुम्हारी माँ बहुत महान थी नंदिनी। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया है। I'm sorry. तेज, अरे ना, क्या हुआ बड़े पापा? अरे आना। तेजू। नंदिनी आ गई। बड़े पापा क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, अभी सबने बताया कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो। मैं मम्मी भी से बात करता हूँ ना। अरे नहीं बड़े पापा। क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ नंदू से मैं प्यार करता हूँ, पर ये मेरा बैड लक है। उसके मन की बात जानने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सब भूल गए। फिर भी किसी तरह उसके प्यार को पाने की कोशिश में मैं उसकी नजरों में एक फ्रॉड बनकर रह गया बड़े पापा। उस पर मेरा प्यार इस तरह से थोपना ठीक नहीं होगा। नहीं बड़े पापा, रहने दीजिए। सुन तेज बेटा, सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, अगर अभी कहोगे तो मेरी मान जाएगी। हाँ शायद मान जाएगी, मेरे लिए जान भी दे देगी, लेकिन प्यार नहीं होगा, एहसान चुकाना होगा बड़े पापा। रहने दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा, बचपन में आप ही कहा करते थे बड़े पापा कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उनसे बस उनकी खुशी की उम्मीद कीजिए, किसी उपकार की नहीं। अगर अभी उसे कोई प्यार करने के लिए और वो ये बात मान जाए तो वो स्वार्थ होगा। प्यार तो दिल से किया जाता है, किसी की मदद करने के बदले नहीं। तुम्हें जानने से पहले तुमसे प्यार हो गया था। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो आपको जानने से पहले प्यार करती तो? ऐसा नहीं है, जिस दिन हम आए थे उसी दिन उसने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों दूर हो जाएं, वही करना ठीक होगा। प्लीज नंदू आकर कहेगी तुम भी। तेज, शाम की फ्लाइट है, पापा ऑटो पर वेट कर रहे हैं, तुम्हें निकलती हूँ। नमस्ते। एक मिनट बेटी, ये ऑटो ड्रॉप कर दो।